हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अंडा करी थोड़ा अलग तरीके से। मैं यहाँ पर 5 अंडा ले ली हूँ जिसे मैं बॉईल कर चुकी हूँ। आ यहाँ पर हम मसाले देख लेते हैं। यहाँ मैं लहसुन ली हूँ, ये जीरा ली हूँ आधी चम्मच, काली मिर्च, आई मैंने यहाँ पर भुना हुआ चना लिया है जिसमें देखिए मैं इसके छिलके हटा लूँगी, जिसमें छिलका है उसे छिलके में हटा करके तब मैं मसाले के को पेस्ट बना लूँगी। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर तड़के के लिए आधी चम्मच जीरा, 3 लौंग है, 2 हरी इलायची है, 1 तेज़पत्ते मैं यहाँ पर ली हूँ जिसे 2 टुकड़े कर चुकी हूँ। यहाँ मैं प्याज ली हूँ जिसे मैं छोटे टुकड़े में काट चुकी हूँ। यह 5 प्याज है जिसे मैं छोटे टुकड़े में काट ली हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं मसाले के पेस्ट बना चुकी हूँ। 1 चम्मच मैं यहाँ पर मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, आधी चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 2 चम्मच धनिया पाउडर मैं ले रही हूँ यहाँ पर, 1 चम्मच मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ जो कलर के लिए है। आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप करें। यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। ऐसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 1 चम्मच तेल ली हूँ जो सरसों का तेल है, गर्म हो चुका है। मैं सारे तड़के मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पर यहीं पर मैं प्याज जो सारे मैं प्याज काट करके रखी हूँ वो भी प्याज मैं यहाँ पर डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। ऐसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे, गोल्डन कलर का हो जाए तो हम इसमें मसाले डालेंगे। देखिए मैं यहाँ पर गोल्डन हो चुका है, मसाले यहाँ पर मैं डाल देती हूँ। आ इसे अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे मसाले को। हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे कि हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। आ ये अंडा करी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट में बन करके तैयार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर मसाले भी भुनाई हो चुके हैं। यहीं पर मैं 2 चम्मच दही भी मैं इसमें डालूँगी, इसमें 2 चम्मच दही भी डाल दूंगी। और दही डाल करके भी हम भुनाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब दही ले रही हूँ। मैं यहाँ पर टमाटर नहीं डाल रही हूँ, आप अगर डालना चाहते हैं तो टमाटर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर दही डाल रही हूँ। इसे अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे मसाले को। देखिए यहाँ पर मसाले भुन चुके हैं, मसाले में देखिए कितना तेल छोड़ चुका है, मसाले भुन चुके हैं। मैं यहाँ पर पानी डाल रही हूँ, आपको जितना तरी की ज़रूरत हो उतना डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपने हिसाब से डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर अब इसमें उबाल आ चुका है हल्का, मैं इसमें अंडा डाल दे रही हूँ। अंडा डाल करके हमें उस पर थोड़ा गरम मसाला भी मैं हल्का डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी इस पर गरम मसाले। दोस्तों ऐसे ऐसे अंडे करी बना करके खाया करें, बहुत टेस्टी अंडा करी बना था। थोड़ा रस भी हम ऊपर से उठा करके इस पर डाल देंगे कि अंदर तक हमारा फीका ना लगे अंडा करी। दोस्तों हम थोड़ा हरा धनिया भी उस पर से डाल देंगे, ढक्कन लगा करके 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।